हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एच के स्टडी पर। देखिए, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों का मांग चल रहा था, सभी छात्रों का मांग चल रहा था कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो एक दिन में और एक शिफ्ट में होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल होते हुए संभव हो गया है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एक दिन और एक शिफ्ट में होगा। तो चलिए पूरा नोटिस पढ़ते हैं। जो देखिए, आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी के अध्यक्ष का जो बैठक हुआ है उसमें क्या निर्णय लिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए पूरा नोटिस पढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद के साथ बैठक की। जैसे कि आज बैठक था, आप लोगों को पता है, बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने सभी जिला अधिकारी एवं केंद्रीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया है तथा इस संदर्भ में निर्णय लिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह एक दिन एवं एक पाली में ही ली जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा बात है, जो आपकी परीक्षा है पूर्व की तरह एक दिन एवं एक पाली में ही लिया जाएगा, ऐसा बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का लगातार मांग था कि जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो एक दिन में और एक शिफ्ट में हो। ठीक है, परसेंटाइल विधि को हटा करके एक दिन में और एक शिफ्ट में हो, तो ऐसा बिल्कुल ही स्वीकारा गया है बीपीएससी के द्वारा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में कराया जाएगा और एक शिफ्ट में कराया जाएगा। देखिए, डेट को लेकर के यहाँ पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं दिया गया है कि किस डेट को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही डेट को लेकर के कोई भी क्लियरिटी आता है, सबसे पहले इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।